चेक टेस्ट चेक करो
अरे पीजिए मत बोलिए। हेलो हेलो মেন কোর্ট যেটা নেই এটা এটাকে দেখ মেন কোর্টটা দেখ সব টোটাল বন্ধ হয়ে গেল মেন কোর্ট এডিএমএ কোর্ট চেঞ্জ করে দে এডিএমএ কোর্ট চেক করে দে চেঞ্জ করে দে চালু নেই আপা চল না তো
हेलो नमस्कार आपन समस्त मानको वीर सुरेंद्र साहू को प्रतिमूर्ति उन्मोचन अनुष्ठान रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे सादर अभिनंदन आमे देखुचो हमरो आजिरो मुख्य अतिथि माननीय केंद्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान तांको संगे अछंती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ओडिशा सरकार श्री नवकिशोर दास सांसद सदस्य बरगढ़ श्री सुरेश पुजारी सांसद सदस्य संबलपुर श्री नितेश गंगदेव ब्रजराजनगर विधायक श्री किशोर कुमार महांति संबलपुर विधायक श्री जयनारायण मिश्र रेंगाली विधायक श्री नावरी नायक सुंदरगढ़ विधायक श्रीमती कुसुम टेटे तलसरा विधायक श्री भवानी शंकर भोई वीरमित्रपुर विधायक श्री शंकर ओराम देवगढ़ विधायक श्री सुभाष चंद्र पाणिग्राही एवं लोईसिंगा विधायक श्री मुकेश महालिंग समस्त को सादर अभिनंदन वीर सुरेन्द्र साई को मूर्ति एवं फलक आवरण उन्मोचन हो गला समस्त मान्यवर अतिथि महोदय माने मंचासीन हेबा पई ए पथे अग्रसर होइछंती कार्यक्रम आरंभ रे मुख्य अतिथि महोदय को
मु अनुरोध करिबी ओडिसा रो महासंग्रामी पराक्रमी अमर आत्मार स्मारकी स्वरूप वीर सुरेंद्र साय को पटचित्र रे माल्यार्पण करिबे एवं समस्त पर्यंत अंधकार को हरिकरण करी एक सकारात्मक परिवेश सृष्टि ही प्रचलित प्रथा और परंपरा ज्योति प्रज्वलन पारंपरिक प्रथा आधार रे मु आजर मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को आनुष्ठानिक दीपम ज्योति प्रज्वलन पाई आमंत्रण करजी। सर प्लीज दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। एबे मु समस्त अतिथि मानंकु मंचासीन हेबा पाई आमंत्रण जनाउची। रक्त रंजित माटिमा बक्ष वीर पुत्र जननीर शत्रु रकते खेलिथिले होरी बळि देई निज शिर से अमर गाथा एबे भी सुनाए इतिहास ए माटीर एई माटीर इतिहास। शौर्य वीर्यर भूमि उत्कल चंड अशोक को धर्म अशोक रे परिवर्तित करिबार क्षमता धारिणी उत्कल सेई चारु हास्यमयी उत्कल मातांकु वंदना करिबा पाई मु आपण समस्तंकु विनीत अनुरोध करिबी आसंतु दंडायमान रही उत्कल मातांकु सम्मान जणैबा। बंदी उत्कल जननी 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 चारु हास
प्रतिपात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित करिवे। सर प्लीज। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ओडिशा सरकार श्री नवकिशोर दास। आखरे पुनी अनुरोध करे पुनी अनुरोध सरंग 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 श्री शंकर ओराम बीरमित्रपुर विधायक। श्री सुभाष चंद्र पाणिग्राही देवगढ़ विधायक। श्री मुकेश महालिंग लुई सिंहा विधायक। धन्यवाद सर। विप्लवी पराक्रमी महासंग्रामी वीर सुरेन्द्र साय को जीवन यात्रा आम समस्त चिरस्मरणीय आउ प्रेरणार स्रोत। आसंतु तेबे देखिबा एही अमर आत्मार जीवन गाथा। वीर सुरेन्द्र साय दुर्दशा विप्लवी विचक्षण योद्धा जहांकर ना शुणिले दिने बड़ बड़ ब्रिटिश अफिसर मानंकर छाती थरी उठुथिला। देशरु ब्रिटिश साम्राज्य उच्छेद पाई होइथिबा सशस्त्र संग्राम रे से थिले संबलपुर माटीर जातीय वीर। 1823 संबलपुर रे शासन करुथिले चौहान वंशर राजा महाराज साय। से थिले निसंतान। तांको मृत्यु परे सठिक उत्तराधिकारी न बाछी ब्रिटिश शासक माने राणी को नामक मात्र राजगादी रे पसाई शासन कल को निज नियंत्रण को नहीं कले। ब्रिटिश विरोध रे कोहुळुथिबा जन असंतोष शेषरे एक विराट विद्रोहर रूप नेला। सेई विशाल संग्राम सारथी रूपे लोके जहांकु बाछिले से हेले वीर सुरेन्द्र साय। सुरेन्द्रंक साथी एवं ब्रिटिश फौज भितर चलिला तुहाकु तुहा लढ़ी। तांकर गरिला रणनीति
ବ୍ରିଟିଶ ବଳକୁ ନାକେଦମ କରି ରଖିଥିଲା। 1840 ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଳୁଥିବା ବିପ୍ଳବର ନିଆଁକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ଆଗେଇ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ରାଜା ନିକଟରେ ହେଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବାହିନୀ ହାତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ତାଙ୍କ କକା ଓ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନେ ଖୋଲିଦେଲେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସିଂହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ସେଥିରେ ଗୌନ୍ତିଆମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଗଣ୍ଡ ଓ କୋଲହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ପୁଣି ତେଜିଆନ ହେଲା 17 ବର୍ଷ ଧରି ଥମିଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମ। 1857 ଅକ୍ଟୋବର 7, ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶିବିରରେ ବାଜିଲା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଛଳ କଥା ବୁଝିପାରି ସେଠାରୁ ସେ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଝରଘାଟି ପାହାଡ଼ ପାଲଟିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଢ଼େଇର କ୍ଷେତ୍ର। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଇଂରେଜ ସେନାକୁ ତିନିପଟୁ ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଲାଗି ବ୍ରିଟିଶର ଯୋଜନା ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। 1862 ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କ ରାଜକ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ବଦଳିଗଲା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର। 1864 ଜାନୁଆରୀ 23, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏ ବି କମ୍ବରଲେଜ୍ ଦଳବଳ ନେଇ ରାତି ଅଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର ଅନ୍ୟ ଧାରା ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛଡ଼ାଗଲା ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାରେ ଥିବା ସାତପୁରା ପର୍ବତମାଳାର ଅସୁରଗଡ଼ର ଗିରିଦୁର୍ଗା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ରଖାଗଲା। ଫେବୃଆରୀ 28, 1884 ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀପ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗୃହରେ ସେଇଦିନ ଲିଭିଗଲା। 23 ଜାନୁଆରୀ 1809 ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମାତ୍ର 19 ମାଇଲ ଦୂର ଖିଣ୍ଡା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ବୀର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମର ଗାଥା। ମହାସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର। ଆଜ କେ ଇସ୍ ଆୟୋଜନ ମେ ଇସ୍ ଆୟୋଜନ କେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଇସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री परम आदरणीय माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक स्वागत है। आप सब से निवेदन है कि कृपया तालियों से इनका जोरदार स्वागत। सर, आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। अब मैं उनकी अनुपस्थिति में केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जी का भी अभिनंदन करता हूँ जो अनुपस्थित है, लेकिन उन्होंने अपना
वक्तव्य यहाँ दिया है और वो जल्द ही आएंगे और आप सबसे मुखातिब होंगे। स्वागत की एक कड़ी में पश्चिम उड़ीसा के विशेष रूप से और उड़ीसा के खास करके अपने व्यक्तित्व के कारण अलग पहचान रखने वाले उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री नव किशोर दास जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन है कि तालियों से जोरदार स्वागत करें। उनकी आज अनुपस्थिति में मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं सुंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री जुले राम जी का एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जी का जो कि इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका स्वागत है, उनका आशीर्वचन आपके साथ है। स्वागत है बरगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय परम आदरणीय माननीय सुरेश पुजारी जी का। मैं निवेदन करूंगा कि तालियों से जोरदार स्वागत करें आदरणीय सर का। अब संबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय नेता परम आदरणीय माननीय श्री नितेश गंगदीर जी का भी स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि तालियों से सर का स्वागत करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्रजराज नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री किशोर कुमार महंती जी का स्वागत है। संबलपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री जय नारायण मिश्रा जी का उनके अनुपस्थिति में स्वागत है। रंगाली विधानसभा क्षेत्र के माननीय श्री नवरी नायक जी का स्वागत है। कृपया तालियों से स्वागत करिए। सुंदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय श्रीमती कुसुम टेटे जी का भी हार्दिक स्वागत है। तालियों से जोरदार स्वागत करिए मैडम का। तलसरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री भवानी शंकर भोई जी का बहुत बहुत स्वागत है। वीर मित्रपुर विधायक सभा क्षेत्र के विधायक श्री शंकर उराव जी का स्वागत है। कृपया तालियों से बहुत बहुत स्वागत करिए सर का। लोई सिंघा विधायक आदरणीय श्री मुकेश महालिंग जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमारे साथ में विधायक देवगढ़ आदरणीय श्री सुभाष पाड़ीग्राही जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही एनसीएल के डायरेक्टर्स यहाँ उपस्थित एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर मिस्टर सेनापति ऑडियो नहीं जा रहा है। साथ में यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी जन समुदाय, मीडिया एवं अन्य लोग। मैं आपका यूट्यूब का फीड लिया हूँ लेकिन पश्चिम उड़ीसा की माटी के सपूत श्री वीरेंद्र साई जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रतिमा की स्थापना हमारे लिए वास्तव में एक अत्यंत गौरव का क्षण है। आज का दिवस एक ऐसे पुण्यात्मा को याद करने का दिवस है जिन्होंने देशवासियों एवं देश की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना भीषण क्रांति का व्रत लिया। में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और अंत तक संघर्ष किया जो हमारे लिए स्मरणीय और अनुकरणीय है। 1809 में जन्मे संबलपुर के राजवंश से संबंध रखने वाले वीर सुरेंद्र साय जी के आंदोलन का बोलबाला संपूर्ण मध्य भारत में व्याप्त था। इन्होंने अपने जीवन के 37 वर्ष नागपुर के जेल तथा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में कैद की अवस्था में बिताए। जेल में अत्यधिक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के बावजूद भी श्री सुरेंद्र साय जी ने विदेशी शासन के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। देश के एक ऐसे महान योद्धा जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही क्रूर एवं निर्दयी ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था। ऐसे पुण्यात्मा की प्रतिमा स्थापना के शुभ अवसर पर
मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत ही गौरवशाली और भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। पश्चिम उड़ीसा के विकास में झारसुगड़ा एयरपोर्ट का बड़ा योगदान है। यह एयरपोर्ट न सिर्फ पश्चिम उड़ीसा के को देश के अन्य महानगरों से जोड़ने में सक्षम हुआ है, बल्कि क्षेत्र के विकास, रोजगार और उन्नति में भी इसका बड़ा योगदान। हमें गर्व है कि महानदी कोल्डफील्ड्स लिमिटेड ने संपूर्ण निष्ठा के साथ पश्चिम उड़ीसा के विकास और अर्थव्यवस्था में, जिसका मूल आधार कोयला है, अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। सीएसआर के रूप में हो या सामुदायिक विकास कार्यों में प्रतियोगिता के माध्यम से हो, परस्पर सहयोग से हम देश की उन्नति में योगदान दे पा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और यह कामना करता हूं कि हम सब मिलकर भारत का निर्माण करें, जिसका सपना हमारे स्वाधीनता संग्रामियों ने देखा था। वीर सुरेंद्र साय की भव्य प्रतिमा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लक्ष्य की राह में डटे रहने के और शोषकों से कभी हार न मानने के लिए और दूसरों के लिए स्वयं को निछावर करने का संदेश दे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एबे मु विनीत अनुरोध करिबी विमान बंदर निर्देशक झारसुगुड़ा श्री किशोर कुमार सेनापति महोदय को एही सभा को संबोधित करिबा पई। सर प्लीज। नमस्कार। उपस्थित माननीय मंत्री, भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोल नेचुरल गैस उपस्थित बरगढ़ कंस्टिट्यूएंसी जहाँ से इस एयरपोर्ट आता है श्री सुरेश पुजारी जी, उपस्थित सांसद श्री नितेश गंगदेव जी, उपस्थित माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नवकिशोर दास जी, उपस्थित पूर्वतन वाचस्पति एवं हमारे ब्रजराज नगर की एमएलए श्री किशोर कुमार महंती जी एवं अन्य वरिष्ठ अतिथि वृंद एवं उपस्थित सारे जो इधर आए हैं पधारे हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज आम ज्योति एकत्रित होड़शार जन बरपुत्र श्री वीर सुरेन्द्र साय तर आज जन्मदिन एवं सही अवसर रे तंकर जो प्रतिमार उन्मोचन हेबो आमर माननीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान गर्गमूल द्वारा एवं बीसी रे आमर माननीय कोइला एवं माइंस मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा स्वाधीनता पाई ब्रिटिश शासन से आगधाड़े कत नेता एवं तंकर स्मृतिचारण करिबा पई तंको मने पकेबा पई तंकर जो प्रतिमूर्ति एठी उन्मोचन हेउछि एटा खूब स्वागत योग्य। आमरे एयरपोर्ट झारसुगुड़ा एयरपोर्ट ओडिसार प्राय 10टी जिला पश्चिमांचल 10टी जिला निकटवर्ती झारखंड एवं छत्तीसगढ़ अनेक अंचल बासिंदा मानू जोगाजोग जोगे पारुछि। एटा खूब नूतन एयरपोर्ट जेमिति आपण जानिछथि मात्र 2 वर्ष ला आरंभ छोटी फ्लाइट चालू थला 12 जनवरी रो अपन जेमि जानंती हम नुवा बेंगलोर एवं मुंबई के जोड़ी परिचो बोइंग 737-800 नोटे के 189 सीटर एवं जानि अपन आउट खुशी हे जे आज 23 जनवरी थर आउट फ्लाइट आरंभ हला सप्ताह 2 दिन कलकत्ता को स्पाइसजेट द्वारा नोटे की मंगलवार को शनिवार चले। हमर आउरी उद्यम रहिछि जे अन्य किसी एयरक्राफ्ट अन्य रूट रे चलने चेष्टारत एयरपोर्ट रे सर्वांगीन उन्नति क्रमे आम आप देखी पार्टी परिष्कार कार्य सिटी साइड हो एयर साइड हो चली आमर केन्द्र मंत्री अच्छा आग्रह कर डिस्कस चेस्टा बेले आडिशनल पे दरकार अनेक एयरक्राफ्ट आकोमोडेट करने धन्यवाद। सर एबे एही सभा को संबोधित करने संबलपुर विधायक श्री नितेश गंगदेव महोदय को मोर विनीत अनुरोध। सर प्लीज।
सॉरी संबलपुर सांसद केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हेल्थ मिनिस्टर नवदास जी, बरगढ़ एमपी सुरेश भाई, बाकी एमएलए माने, एमसीएल ऑफिसर्स माने, सामाजिक माने और अपन समस्त को नमस्कार। आज गोटे ऐतिहासिक दिन अच्छे वीर सुरेंद्र साय आज बट डेट अच्छी और से दिन रे धर्मेंद्र भाई आज गोटे भल स्टैच्यू इनॉग्रेट कर धन्यवाद दूची धर्मेंद्र भाई को धन्यवाद दूची अमर कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद दूची नरेंद्र मोदी जी को के से अमर ओडिशा पाए बेसी इंटरेस्ट नहीं कर को पाए तीन दाबी थिला झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रे गोटे थिला आईएलएस गोटे थिला जो नुआ जोन रूट जो बॉम्बे और बेंगलोर आरंभ हेछि किछि दिन आगरु तापर आज थिला वीर सुरेंद्र सायरो स्टैचू रो इनॉग्रेशन थिला ये तीन टा दाबी दाबी जो थिला मु पार्लियामेंट सेशन रे मु उत्थापन मु करी थिली और मु धन्यवाद दउ छी धर्मेंद्र भाई को से स्पेशल इंटरेस्ट नै के एटा जो तीन टा काम जो हो जाय छी एटा पे तांको बहुत धन्यवाद मु धर्मेंद्र भाई को मु निवेदन करू छी उदय झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर टिके पर बेसी ध्यान देबे और अमर पश्चिम ओडिशा पर स्पेशली पश्चिम ओडिशा पर अपन टिके देखबे धन्यवाद धन्यवाद सर क्रम अनुसार आसंतु एवं सुनिबा श्री सुरेश पुजारी एमपी बड़गढ़ महोदय को सर प्लीज झारसुगुड़ा के जुहार आज मंच पर जन माने उपस्थित जसन गणमाध्यम बंधु माने महादी कोयला कंपनी रो श्रीवास्तव जी सिंह साहब और बाकी समस्ते आउ जे माने जी उपस्थित अछन समस्त को ओ बहुत बहुत अभिनंदन जनवरी 23 तारीख भारत वर्ष रो इतिहास रे ओदे पवित्रतम दिन भागरे परिगणित हवा इतिहास रे हमें पढ़ुतुलु जितले स्कूल रे पढ़ुतुलु ओडिसा रो एवं भारत वर्ष रो स्वाधीनता आंदोलन रो इतिहास पढ़ुतुलु से समय 1857 मसीहा के भारत बर्षर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन बोल कर कहला आज भी जेन छुआ मान पढ़ुन से मन रे अच्छे 1857 मसीहा रे दांतिया टोपी झांसी रानी लक्ष्मी बाई जेन आंदोलन आरंभ करते जेन लड़ाई आरंभ करते इंग्रेज मान विरुद्ध से भारत बर्षर प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कितु बयस बढ़वार सांगे सांगे एवं इतिहास को आहरी दूर पर्यत देखवार समय जानवाके पाइली जे सारा भारत बर्ष जेन समय ब्रिटिश मान विरुद्ध आंदोलन ना निशान नहीं थी से समय आमर जिला आमर अंचल जन बड़ पुत्र जन्म होते सुरेन्द्र साय 28 वर्ष आगु 1857 मसीह भारत बर्ष आंदोलन आरंभ है ब्रिटिश विरुद्ध धन्यवाद देवा कथा संबलपुर मटिके झारसुगुड़ा मटिके बरगढ़ मटिके ये अंचल मटिके जेन माँ मटी 1857 रो ढेर पूर्व रु बर पुत्र जन्म दीथरा सुरेंद्र साय तांकर काका तांकर भाई याडे जदी लखनपुर के आपन पळे जिवे लखनपुर रो जमीदार इपटे झारसुगुड़ा रो कुलाबिरा के पळे जिवे कुलाबिरा रो जमीदार बरगढ़ जिला के जिवे बोले खेस अंचल रो कुंजल सिंह माधो सिंह खटे सिंह हरि सिंह बरी सिंह ना रो हिसाब नहीं नो पृथ्वी रो इतिहास रे केवल भारत वर्ष रे स्वाधीनता आंदोलन नहीं पृथ्वी रो सब देश रे स्वाधीनता आंदोलन हिची किंतु स्वाधीनता आंदोलन रे शामिल होकर 37 वर्ष जेल में कटवार विरल व्यक्तित्व होचन सुरेंद्र साय आ कि 37 वर्ष नहीं कटी भारत माता रा बहुत सुपुत्र देश लागि लड़ाई करिचन तांकर ना आज गणमार आवश्यक न समस्त को मु श्रद्धांजलि जनाबा लागि चाहू छे किंतु आपन मान को जनाबा लागि चाहू छे जे सुरेंद्र साय कर परिवार इ भुलिया गुटे परिवार परिवार लड़वार इतिहास बहुत कम है व्यक्ति लड़वार इतिहास बहुत है सुरेंद्र साय सुरेंद्र साय काका सुरेंद्र साय भाई सुरेंद्र साय परिवार एवं तार संगरे संगरे इन बरगढ़ भी बहुत भाई माने आसीचन
बरगड़ घेस जमीदार जमीदार रे जुने पीढ़ी बापा बापा संगरे चाटा पो संगरे जोई एवं संधि पर्यंत कुंजेल सिंह खटे सिंह हरि सिंह मरि सिंह पृथ्वीर इतिहास रे ई अंचल रो लड़ाई रो जन इतिहास से इतिहास खुजबे बोले पृथ्वीर इतिहास रे नेपान सेटा होची हमर अंचल इतिहास इंग्रज विरुद्ध रे लड़वार इतिहास आज आज दिन रे केवल सुरेंद्र साय नोहनान 1857 मसिया रो 28 वर्ष पूर्व रु जेन माने ई मां माटी के स्वाधीन करबा लागि लड़ाई तो करथिली जेन माने ई मां माटी के स्वाधीन करबा लागि फांसी खुंड रे चढ़ीथिले हमर ई अंचल रो जेन माने मां माटी के स्वाधीनता प्राप्ति करबा लागि जेल रे जीवन बीती थिले एवं जेल रे मृत्युवरण करथिले आज मैं समस्त को मन पकाव लागि चाहुचे समस्त को श्रद्धांजलि देबा पई चाहुचे सुरेंद्र साहेब एवं तांकर सहयोगी समस्त को 1857 मसिया रे भी जन माने लड़ते सेमान को तार परवर्ती अवस्था रे मध्य जन माने देश लागि शहीद हे गले जीवन के आहुति देले मुई समस्त को स्मरण करबा लागि चाहुचे झारसुगुड़ा माटी तरफ रु भारत माता समस्त सुपुत्र को श्रद्धांजलि जन माने चाहुचे आटा भी कहवा लगी चाहुचे जे जेन माने आंकु छाड़ी चली गले देश के स्वाधीनता करबा लगी आज भी से स्वाधीनता स्वाधीनतार फल गरीब रु गरीब पाके निजे पहुंचे देश रो यशस्वी प्रधानमंत्री बारंबार अंत्योदय कथा कहचन अंत्योदय अर्थ हला जेन व्यक्ति धाड़ी शेष रे छिड़ा हिचे जार पाखरे स्वाधीनतार स्वाद निहे पहुंचे जार मुहरे हस नाइन जार आखिर हस नाइन जार पाखे स्वाधीनतार स्वप्न केवल स्वप्न हो रचे तार पाखे स्वाधीनतार फल पहुंचाबार लगी स्वाधीनतार स्वाद पहुंचाबार लगी एवं ताके आगर धाड़ी आनबार लगी जेन परिकल्पना इटा सुरेन्द्र साई कर भी थिला जेन माने देश लगी लड़ी समान कर भी थिला आज यशस्वी प्रधानमंत्री विशेष स्वप्न आसुन 23 तारीख रे पवित्र दिन रे आमे समस्ते शपथ करबा जे आमर पूर्वज माने जेन माने तांकर तांकर वर्तमान को हराले आमर भविष्य तयारी करबार लगी सेमानको मने पकामा तांकर लक्ष्य को मने पकामा तांकर भारत वर्ष बाबद रे जेन स्वप्न ताके मने पकामा झारसुगुड़ा बाबद रे तांकर जेन स्वप्न मने पकामा एवं से स्वप्न के साकार करबार लगी आमे समस्ते सहयोगी हमा सहभागिता हवा नुआ झारसुगुड़ा निर्माण हवा नुआ ओडिशा निर्माण हवा नुआ भारत वर्ष निर्माण हवा से कामना करुचे और तार संगे संगे एयरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जेनटा कहले मैं जुड़वा लगी चाहूचे जिते उड़ाजहाज उड़ले भी कम पड़वा खाली दिल्ली रे समाप्त नहीं जाई बेंगलोर रे समाप्त नहीं जाई मुंबई रे समाप्त नहीं जाई मोर तो सपन अच्छे मतलब मत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहले जे भुवनेश्वर रे जेतके बहुत बुना एयरपोर्ट है अमर भुवनेश्वर बोले इना भी पर्याप्त जगह अच्छे उड़ीसा सरकार मध्य गुड़िए जगह आहरी अधिक देवार लगे नोटिफिकेशन कर सारे न मोर तो सपन अच्छे गोटे के निकट भविष्य में झारसुगुड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ताके खाली देश भितर जाइकिन देश बाहर के भी जो आम अंचल पिला मैंने बेंगलोर जाते खुशी होगले आम अंचल लोक मैंने मुंबई जाते खुशी होते ये खुशी देखला पर पुणे वाले कहले ना उड़िया जिते ना पश्चिम ओडिशार अच्छा पुणे से मैंने कहले ना दादा खाली बम्बई बेंगलोर चलवा पुना नहीं चले बहुत ही अंचल लोक मैंने विशाखापाटनम जाऊन से जेन मैंने अच्छे से भी इच्छा अच्छे विशाखापाटनम चलू बोल आर भी इच्छा अच्छे अंचल भाई मैंने तो दुबई रे भी अच्छा भारत वर्ष बाहर पृथ्वी इंता जगह नाइन जेन अंचल झारसुगुड़ा लोक पश्चिम ओडिशा लोक नाइन से भाया देश पृथ्वी में नाइन स्वप्न तो अच्छे सेना की चलता आम आगे चेष्टा करवा समस्ते मिसिक चेष्टा करवा के आहरी अधिक रु अधिक विमान जीवा भुवनेश्वर झारसुगुड़ा विमान बंदर भारत वर्ष गोटे श्रेष्ठ एवं दु नंबर अच्छे आम उड़ान योजन सफल एयरपोर्ट भितर झारसुगुड़ा दु नंबर बर्षे झारसुगुड़ा हवा एक नंबर आके आके समय कहवा दूर के जीव आपण समस्त भितर बहुत बहुत अभिनंदन नुआ बर्ष शुभ कामना नुआ बर्ष झारसुगुड़ा कोरोना मुक्त हो आमर अंचल कोरोना मुक्त हो ओडिशा कोरोना मुक्त हो भारत बर्ष कोरोना मुक्त हो एवं कोरोना मुक्त हबार संगे संगे आमर जेन पूर्वज मैंने बलिदान देछन से बलिदान के सार्थक करवा लगी नुआ झारसुगुड़ा नुआ ओडिशा एवं नुआ भारत वर्ष निर्माण करबा लगी आमर समस्त सहभागिता हो बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की धन्यवाद सर आसंतु एबे सुनिबा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ओडिशा सरकार श्री नवकिशोर दास महोदय संबोधन सर प्लीज आज झारसुगुड़ा पाई गोटे पवित्र दिवस ये पवित्र दिवस रे
वीर सुरेन्द्र साई जो आज आम समस्त श्रद्धांजलि देवाई सही मंचा सिंह भारत सरकार मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त धर्मेन्द्र प्रधान एठिकार ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश पुजारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबलपुर नीतीश गंगे ऑनरेबल एमएलए ब्रजराज नगर श्रीयुक्त किशोर महांती ऑनरेबल एमएलए सुंदरगढ़ ऑनरेबल एमएलए रेंगाली एवं आमर एटी एयरपोर्ट डायरेक्टर कलेक्टर एयरपोर्ट स्टाफ प्रेस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मुझे कहीदेपी चाहे जे आज यही पवित्र दिवस रे जो वीर सुरेन्द्र साय कथा जो वीर सुरेन्द्र साय को आज मूर्ति उन्मोचन है भावुचार नुह पश्चिम ओडिशार गेटवे जे भी एयरपोर्ट को आसब से थे वीर सुरेन्द्र साय स्टैच्यू को देख मन पक झारसुगुड़ा माटी ए पश्चिम ओडिशा माटी ए ओडिशार माटी केते जे संघर्ष करितला ए देशर स्वाधीन पई केते जे बलिदान देथले लोक आज जो स्वाधीनता को चाखी आम आज यही भारत बर्ष रे अछु तेणु आज आमको संकल्प नवा को पड़ो एवं जहाँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दावी करथले ओ तांका सहित एक सहमत आपन को जोड़े देवा पई चाहे जेतेबेले एठी भारत प्रधानमंत्री आसी याकु उद्घाटन करथिले उत्सवरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मध्ये उपस्थित थिले मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्ये उपस्थित थिले एवं समस्त प्रचेष्टा रे एही एयरपोर्ट झारसुगुड़ा रु आसीथिला गोटे स्वप्न नहींक्री जे एठु दिने उड़ब सारा भारत बर्ष रे कनेक्शन हेबो एवं जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कथा कहउचंती माननीय मंत्री केन्द्र मंत्री को पाखरे अनुरोध करुची जे किभळि भावरे झारसुगुड़ा से क्राइटेरिया आसिले याकु इंटरनेशनल एयरपोर्ट करिवो से दिगरे निश्चित भावरे अनुध्यान करिवे। द्वितीय कथा हला आज जेतेबेले बेंगलोर बंबई हला आपनकु कहउची सेतेले मते डायरेक्टर साहेब फोन एवं अन्य एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानली जदि फायरमैन सर्विस दिया न जीव ताले एठु बॉम्बे वा बेंगलोर प्लेन उड़ीबो नाही तुरंत ओडिशा सरकार को एवं सहमति क्रमे मु निश्चित भाव धन्यवाद देवी ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को शीघ्र 18 टी आमर फायरमैन एवं 155 एकड़ जमी फ्री ऑफ कॉस्ट ओडिशा सरकार मध्य एयरपोर्ट पे देवा पे राजी हेतिले तेणु मु धन्यवाद देवी झारसुगुड़ा तरफ रु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जे जेबली भावरे एयरपोर्ट रे आग को बढ़ी चली निश्चित भावरे केंद्र एवं राज्य सहायता रे गोटे दिन आसिबो या सेकंड कैपिटल ऑफ ओडिशा निश्चित भावरे झारसुगुड़ा को धरा जीवो एवं आज गोटे शुभ दिन आसंतु समस्ते संकल्प नवा ओडिशा को सुदृढ़ भाव में गढ़ापाई झारसुगुड़ा जिलार तथा पश्चिम ओडिशा आगे किभली उन्नयनमूलक कार्यक्रम आगक जीव से दिगरे आम आज तांकर जो बलिदान से कथा नहीं शपथ नवा वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद सर। आसंतु सुनिबा केन्द्र माननीय कोयला खणि एवं संसदीय व्यापार मंत्री भारत सरकार श्री प्रह्लाद जोशी महोदय को। सर प्लीज। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, नबा किशोर दास जी, श्री ज्वल उराम जी, श्री सुरेश पुजारी जी, श्री नितेश गंगदेव जी, श्री प्रभात कुमार सिन्हा जी, उपस्थित माननीय विधायकगण, स्थानीय प्रशासन, सम्मिलित कर्मचारी, एयरपोर्ट पदाधिकारी, झारसुगुड़ा और आसपास के क्षेत्र में पधारे गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन।
यह बेहद खुशी की बात है कि आज झारसुगड़ा के पावन धरती को हवाई अड्डे पर यहाँ के वीर सपूत श्री सुरेंद्र साय जी की विशाल मूर्ति का अनावरण हो रहा है। आज से 212 वर्ष पहले आज के ही दिन भारत माता के इस सपूत का जन्म हुआ था। आज उन्हीं के नाम पर रखे गए इस हवाई अड्डे के परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। यह हमारा उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करने का देने का प्रयास है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के विशेष रूप से हमारा MCL एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस शानदार कार्य के लिए बधाई देता हूँ। अपने एक महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी की विरासत के जनमानस को पटल पर स्थापित करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। पश्चिम ओडिशा ने देश को कई सपूत दिया है जिन्होंने अपनी महान कार्यों से इस क्षेत्र और भारत का यश पूरी दुनिया में फैलाया है। इन सपूतों में वीर सुरेंद्र साय का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट किया और संघर्ष किया। इसके लिए उन्हें अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार होकर जीवन के कई वर्ष जेल में भी गुजरने पड़े। इस महान सेनानी को मेरा शत शत नमन। झारसुगड़ा तथा आसपास के क्षेत्र खनिज संपद से संपन्न है। यहाँ खनिज उत्पादन से लेकर कई उद्योग स्थापित है। मेरे विश्वास है कि ये भी उद्योग इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के अपने अहम योगदान देते हैं। कोल इंडिया की अनुसंगिक कंपनी MCL भी अपनी 35% उत्पादन इसी क्षेत्र से करते हैं। आने वाले समय में कंपनी का ईबी वाली और वसुंधरा कोयला क्षेत्र अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करेंगे जिससे इस क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमशीलता के और भी नया अवसर पैदा होगा। क्षेत्र के सभी जन प्रतिनिधि परियोजना का विस्थापित परिवार ग्रामीण बुद्धिजीवी वर्ग और स्थानीय प्रशासन विशेष बधाई के पात्र है जिन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में कोयला क्षेत्र के महत्व को समझाते हुए इस क्षेत्र से होने वाले कोयला उत्पादन में अपना भरपूर समुचित सहयोग दिया है। मुझे पूरे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सपने को साकार करने के लिए आप भविष्य में भी इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। इस क्षेत्र का समावेशी विकास हो और यहाँ का हर व्यक्तित्व का प्रगति की नई सीढ़ियाँ चढ़े इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर अपनी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आगको मु विनित अनुरोध करबि आज मुख्य अतिथि माननीय केन्द्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय को एही सभा को संबोधित करबा पई सर प्लीज वीर सुरेंद्र साय अमर रहे वीर सुरेंद्र साय अमर रहे आज शहे दुईश तेरतम वीर सुरेंद्र साय जयंती समारोह अवसर रे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो एयरपोर्टर नाँ को दुई वर्ष तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट भावे नामित करथिले एयरपोर्ट अथॉरिटी आउ महानदी कोयला कंपनी को मिलित उद्यम रे गोटे भव्य सुंदर मूर्ति लोकार्पण उत्सव रे उपस्थित थिबा ओडिशा सरकारकर मंत्री मान्यवर नवकिशोर दास टेक्नोलॉजी रे एबे एबे आम संगे जोड़ी हेतिबा भारत सरकार मंत्री कोयला विभाग खनि विभाग आउ संसदीय व्यापार विभाग रा मंत्री मोर बंधु प्रहलाद जोशी महाशय ए अंचल लोकसभा सदस्य आदरणीय सुरेश पुजारी महाशय संबलपुर लोकसभा सदस्य आदरणीय नीतीश गंगदेव जी ब्रजराज नगर रो सम्माननीय विधायक किशोर कुमार महंती महाशय रेंगाली रो विधायक आदरणीय नावरी नायक सुंदरगढ़ सदर रो विधायिका भौणी कुसुम टेटे तलसरा रो विधायक बंधु भवानी शंकर भोई वीरमित्रपुर रो विधायक बंधु शंकर उराम देवगढ़ रो विधायक बंधु सुभाष पाणिग्राही एयरपोर्ट अथॉरिटी रा डायरेक्टर मान्यवर सेनापति महानदी कोयला कंपनी रा डायरेक्टर द्वय मान्यवर ओपी सिंह मान्यवर केशव राव ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा शहर रा समस्त नागरिक वृंद विभिन्न अंचल रु आसीथिबा अनेक सज्जन वृंद भारत सरकार तथा ओडिशा सरकार अधिकारी बंधु माने सांबादिक बंधु माने मु उभय को आउ थरे धन्यवाद देवी जेतेबेले प्रधानमंत्री एठी आकु दुई वर्ष तले लोकार्पण करथिले सेतेबेले सेय अवसर रे मु सेतेले उपस्थित थिबा कोयला कंपनी अधिकारी मानको कहितिली जे गोटिए भलो मूर्ति आपण माने बनईकी दियंतु एयरपोर्ट अथॉरिटी टू जमी मागिकी ताकु लगेबा मो पई एक सौभाग्यर दिन आज 60 लक्ष टंका व्यय बराद रे महानदी कोयला कंपनी ये भव्य मूर्ति जणे भारत वर्षर प्रतिष्ठित शिल्पी को द्वारा तयारी हेतिबा मूर्ति को आज आमे समस्ते लोकार्पित करे पारले अमर महापुरुष जहाँ का विषय एपर्यंत अनेक मोर पूर्ववर्ती वक्ता माने उल्लेख करुथले मु से विषय गुड़ी को दोहरे भी नहीं आज आउ गोटे सुखद संजोग सुरेंद्र सायंकर 213 जन्मदिन पालन करला बेले आज भी आम नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वां जयंती पालन करी मत सौभाग्य मिलला खूब कम लोकों भाग्य थाए ए प्रकार दुई दुईटी महामनीषी जन्मदिन में गोटे दिन में पुष्पांजलि अर्पण करार मुझे सका जा कटक नेताजी जन्मस्थान मथा टेकवाई प्रणाम जनवाई मुठू यापर खिंडा जीवी
ये प्रतिमूर्ति उन्मोचन कार्यक्रम एठी सरीब मु खिंडा जीवि महापुरुषंकर जन्मस्थान रे प्रणाम करके आसीबि सेठी नमस्कार करके आसीबि एटा मो पय एक सौभाग्यर दिन बंधुगण जेबे प्रधानमंत्री ओल्है थिले मते प्लेन हेलिकॉप्टर रु स्टेज पर्यंत आसीबा भितरे पचार थिले यार उपरु से चेहरा देखिकी पचार थिले जे एठी पैसेंजर हम कि जोटा सुरेश बाबू उल्लेख करथले जे उड़ान रे आम आज दुई नंबर मुझे दुईटी एयरपोर्टर नाम मन पकईली मुझे आज्ञा ये सूरत और बनारस सूरत बनारस आम झारसुगुड़ ढेर बड़ सहर सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ हब डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ पेंठस्थली बनारस आम समस्त श्रद्धार केन्द्र ज्ञानर केन्द्र आज संयोग बशत प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व अंचल से चारि पांच वर्ष पूर्वे सूरत रे तो मोर मन पड़ू दुई तीनोटी विमान दिन में चलिए चलला न चलने ना दिने दिने कैनसल हो दिने सूरत एयरपोर्ट रे अपेक्षा करके रही विमान आसला नहीं दिल्ली रू आम जापरल बनारस भी मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बनारस पाखरु बलिया आम आरंभ करू बलिया को जीवापी बनारस देखी जीवापी पड़े जीव गोटे दिन आसब गोटे दिन प्रधानमंत्री को सदन मुझे कहली से सुधा बनारस हो सूरत रे पखापाखि कोड़े पचीस टी विमान चलवा आरंभ कर मुझे ओल्हला सेनापति बाबू को पचारि सेनापति बाबू केते विमान चलला कहले सर्वनिम्न छ सप्ताह रे सर्वाधिक न चलला ये बहुत दिन दूर नुहे सुरेंद्र साई को श्रद्धांजलि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सठिक श्रद्धांजलि जे तेबे हबो जो पाई से माने दुई तीन शताब्दी पूर्वरु लड़ई लड़ीते देश मातृकार स्वाधीनता पाई स्वाभिमान पाई लड़ई करथिले बंधुगण दारिद्रता रे रहिक भोक उपास रे रहिक बेरोजगार रहिक के स्वाभिमानी हो पारे नहीं के आत्मनिर्भर हो पारे नहीं आत्मनिर्भर और स्वाभिमान ये दुईटा परिपूरक शब्द गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व आत्मनिर्भर हेले स्वाभिमान आसीब स्वाभिमान थिले आत्मनिर्भर हबो ए दुईटी जाक पाई पूंजी दरकार स्वरोजगार दरकार रोजगार दरकार संपूर्णता दरकार संपूर्णता स्वाभिमान आत्मनिर्भर ए गुड़िक परस्पर जोड़ी हेतिबा विषय सुरेंद्र साय को तेबे सठिक श्रद्धांजलि हबो जत्ते बेले ये विमान आडर रे सुरेंद्र साय का मूर्ति ये साखी रत विमान अड्डा दे के संपन्नता अंचल को आसब ए अंचल युवक संपन्न होश विदेश को जाकि ज्ञान अहरण करी ज्ञान वितरण करी ए अंचल को आज जो अच्छे एकविंश शताब्दी प्रारंभ में आम अच्छा आउ दस पंदर वर्ष बहुत दूर नुहे आग परिवर्तन पाई लंबा समय दरकार होता आज एत लंबा समय दरकार नहीं मुझे बुझुली आज ए अंचल जिते बड़े आमे ए अंचल बुलंती से आज झारसुगुड़ा संबलपुर राउरकेला सुंदरगढ़ बलांगीर बरगढ़ देवगढ़ एगुड़ाक विभेद कले चलो ना एगुड़ाक विभेद कले चलो ना या किए कमी ने जानी ना ये मत बहुत भल लगला झारसुगुड़े नवबाबू विधायक आ मंत्री प्रभावशाली मंत्री झारसुगुड़े उत्कल सम्मिलनी होता सी बंदे उत्कल जननी कहले जड़े बंधु पाखो जिलार मंत्री राजनीतिक उद्देश्य कारण ताकू मझेरे मझेरे से बंदे उत्कल जननी को राजनीतिक चश्मे देखुं पश्चिम ओडिशा जहाँ को आम सांस्कृतिक दृष्टि कौशल प्रांत कहू से विकसित हे जो समग्र ओडिशा विकसित हे तार पेंटस्थल झारसुगुड़ा हम आ समय ना आग ना पृथ्वी को छोट हो सारे पृथ्वी गोटे गाँ हो सारे यू
गोटे घटना आज आम एकाठी होती यार प्रतिफलन पृथ्वी जाक लोक जो मैंने झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ राउरकेला देवगढ़ ब्रजराजनगर बेलपहाड़ ये सांगे जोड़ी रही थे किमर पंचगा सांगे जोड़ी होते जो मैंने आमर लखनपुर ब्लॉक संगे जोड़ी होती थे से आज गर्व अनुभव करते हैं आम अंचल आज एयरपोर्ट होम अंचल नेतृत्व या बसिक शुभेच्छा दौर ये अंचल मुझे ओपी सिंह को पचारिक बुझुली एबे इ भाली अंचल जोटा को प्रतिनिधित्व आग राधाराणी पंडा करुले एबे किशोर महांती करुछंती 40 मिलियन मेट्रिक टन कोयला उत्पादन हो आगामी 5-7 वर्ष भितर 55 मिलियन मेट्रिक को बढ़ो 40 55 हम पुराणा अंचल इ माने वसुंधरा अंचल जोटा 25 मिलियन मेट्रिक टन आज हो भौणी कुसुम टेटे जार प्रतिनिधित्व कर 25 मिलियन मेट्रिक टन तांकर लक्ष्य अच्छी भारत सरकार एवं कोयला मंत्री ताको मन भी पकाउले 100 मिलियन मेट्रिक टन हम 25 हम उभय मिसिल आज 65 होटा मिसिकी 150 मिलियन मेट्रिक टन हम भारत सरकार कोल इंडिया WCL, NCL भलिया संगठन माने मिसिकी आउ 50 मिलियन मेट्रिक टन करिवे आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ इकोसिस्टम रे 65 मिलियन मेट्रिक टन होची आगामी 5-10 वर्ष भितर ये संख्या बढ़िकी 250 मिलियन मेट्रिक टन हम सरकारी कंपनी माने 200 प्राइवेट सेक्टर रे 50 250 मिलियन मेट्रिक टन कोयला उत्पादन हेले आउ कोन हबे एठी 10-15 हजार पावर जेनरेशन मेगावाट पावर जेनरेशन हम एठी भूषण कारखाना हेतिला नुआ मैनेजमेंट खूब कम दिन भीतर आसी जाई पारे जिंदल वाला नबो बोली सुना जाउची जदि से डील फाइनल हो जाए ये 3-15 मिलियन टन पर्यंत लुहा उत्पादन हबार संभावना एठी रहिबो एठी आदित्य एल्युमिनियम आउ वेदांत बोध हुए भारत वर्ष सबुठ बड़ आलुमिनियम उत्पादनकारी कारखाना हिंडालको पुराणा आम हीराकूद को मिसेले ये जोन रे आलुमिनियम तैयारी हम आगु ए अंचल चषा चाषी अंचल बरगढ़ संबलपुर मेन केनाल अंचल सुंदरगढ़ कुचिंडा देवगढ़ झारसुगुड़ार ग्रामांचल लखनपुर ग्रामांचल ये चषा चाषी मानकर अंचल चाष ये बलवे हीराकूद बंदर अबवाहिकार अंचल उपर मुंड तल मुंड मिसेक महानदी अबवाहिकार अंचल ये टेक्सटाइल बयन शिल्प या उल्लेख करवा मोर धृष्टता हम जंगल जात द्रव्य ए अंचल भरपूर अच्छे आम अंचल केन्दुपत्र आम अंचल स्वर्गी आम अंचल महुआ फूल ये तीनोटी ओडिशार अर्थनीति को लंबा समय पर्यंत भुवनेश्वर ट्रेजरी को आम अंचल ये सब जिनस गुड़िक भर झारसुगुड़ा तार पेंट स्थल था संबलपुर तार पेंट स्थल था सुंदरगढ़ तार पेंट स्थल था बीड़ी पत्र व्यवसाय करने सुदूर गुजरात लोक मैंने आज भी झारसुगुड़ा अंचल में बहुत गुजराती परिवार अच्छा जो मैंने बीड़ी पत्र संगे संश्लिष्ट अच्छा फॉरेस्ट प्रोड्यूस संगे संश्लिष्ट अच्छा या सब कु मिसेले पर्यटन शिल्प गोटे नुआ रूप नवा धीरे धीरे आरंभ कर एथर राज्य सरकार प्रचेषार अनुकूल हीराकूद इको टूरीजिम व्यवस्था कर परिचय दौर ये अंचल रे पर्यटन रो कौन संभावना ही पारे केवल से नुहे ये अंचल रे बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज थिला संबलपुर यूनिवर्सिटी कैंपस थिला जीएम कॉलेज भलिया बहुत प्रतिष्ठित अनुष्ठान थिला अनेक जातीय स्तर अंतर्जातीय स्तर व्यक्ति मान को ये इंस्टीट्यूशन गुड़िक तैयारी कर थिला राउरकेला रो NIT एबे AIM संबलपुर रे हबो ये अंचल गुड़िक आगामी 10-15 वर्ष भितर बहुत लंबा समय नुहे आगामी 10-15 वर्ष भितर 250 मिलियन टन कोयला 15-20 हजार मेगावाट बिजुली 15-20 मिलियन मेट्रिक टन लुहा 2-3 मिलियन मेट्रिक टन आलुमिनियम चाष पनीपरिया टेक्सटाइल
फॉरेस्ट प्रोड्यूस टूरिज्म एजुकेशन इंडस्ट्री बढ़िले सर्विस इंडस्ट्री भी बढ़िबो ज्ञान कौशल उपाय एटी बढ़िबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना अच्छी पूर्वोदय हबो पूर्वोदयर मुखशाला आम झारसुगुड़ा जिलार एयरपोर्ट हबो रेल स्टेशन हबो एवं ये ओपी सिंह कहते आज आम कोल इंडिया तरफ एमसीएल तरफ गोटे रेल लाइन मध्य प्रदेश गारे पालेमा देकि इलाहाबाद पर्यंत पहुँचे पार मुझे झारसुगुड़ा ये एमपी थी आमर ये नटू भाई कड़ गले नटू भाई बसला नटू भाई गोटे दाबी पत्र ये आम दादा कड़ गले वकिल संगठन नेता तापस दा एवं आजिकल दल बदल कर दे भितर भल कपस समाजसेवी ना दल अच्छी तुम दल अच्छी किपटू सेपट हो जाए कचार तापस दा कड़े गला ना तापस दा आजिकल सेपटे अच्छे ठीक अच्छे जोड़े झारसुगुड़ा जिलार काम कर भल कथ जिन ये समय नटू भाई आम सर नटू भाई गोटे कम एमपी अंचल थी धर्मेन्द्र गोटे आमर एपट अंचल लोक मैंने रेल लाइन कर कौ पर्यंत इलाहाबाद पर्यंत आम थे रेल मैप फैप पकईकि देखु कौपटे हम यहाँ आज बोध हुए ओपी सिंह से कथा कल्पना कोईला आमर एठू जीव इलाहाबाद आमर एठिकार लोक मैंने भी पिंडदान करने गया जी त्रिगेणी संगम पर्यटन जी धीरे 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 आगामी दिन में भारत बर्षर गोटे बड़ अर्थनैतिक पेंठस्थल आमर ए अंचल हम तेबे जाकि अंचल युवक को रोजगार ए अंचल राजस्व वृद्धि ए अंचल राजस्व वृद्धि नीति भी परिवर्तन है गोटे दिन ए अंचल मन भितर कुंठा रहुतला कोईला आमर पानी आमर किंतु ए अंचल विकास कम होता खनिज संपद थे भी आम तार भाग कम पाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना कले डिस्ट्रिक्ट मिनेराल डेवलपमेंट फंड डीएमएफ डीएमएफ पैसा अलग करके ये जिले में रखिले केशव राव जी इस जिले में डीएमएफ फंड कितना देते हो आप लोग करीब 800 करोड़ का इस जिले में ना पूरा एमसीएल में पूरा एमसीएल में तो 1500 से भी ज्यादा इस जिले में 800 नहीं होगा 120 कोटी टंका किशोर दा आगो पैसा आसु नथला नरेंद्र मोदी सीएसआर तो हम हक सी एस आर दुई चार मैंने आमर जो स्टेशन बजार सामने काकुड़ी फल अंगूर बिकला भाया कथा यहाँ भी बहुत लड़े यहाँ भी बहुत लड़े ये सी एस आर नुहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले डीएमए फंड है झारसुगुड़ा जिला को ही केवल 100 कोटी टंका अधिक आसी ये टंका ये कलेक्टर साहब थिबे कोटी मते देखा कले सामल बाबू टंका ये जिलार गरीबरु गरीब अंचल पाई खर्च हो शिक्षा पाई खर्च हो स्वास्थ्य पाई खर्च हो ये कथा आज नुआ नुआ पर्याय आम अंचल को मिलवा आरंभ कर मोर आज दिन एति आशा और अपेक्षा समाज रु समस्ते ये काम जोड़ी हबा विकास काम जोड़ी हबा सुरेन्द्र साई को सठिक श्रद्धांजलि तेबे हबा जब अंचल लोक स्वरोजगार जोड़ी हे रोजगार जोड़ी हे निज गोड़े ठिया हे चाष करतु टेक्सटाइल करतु जंगलजात द्रव्यर व्यवसाय करतु पर्यटन करतु सर्विस इंडस्ट्री लगातु और प्रधानमंत्री तो योजना करिचंते टायर टू टायर थ्री सहर माने आम झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ एयर फिट केस ए गुड़िकर पिला माने एबे मते दिल्ली रे आमर बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रो दले पिला जाइथिले सेमाने गोटे इनोवेशन नेकि जाइथिले से इनोवेशन कौन थिला ना गोटे रॉकेट छाड़िबे उपरुक बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे पिला रॉकेट छाड़िबे उपरुक कोटी रॉकेट छाड़िबे ना हीराकुद डैम भितरे ता अनुमति दब स्पेस डिपार्टमेंट अनुमति करे दियंतु बोली तांकु से आइथिले कथापाई तांकु परे स्पेस डिपार्टमेंट संग जुड़े दिया गला एक्सपेरिमेंट आकु चली मुझे पचारली चा पीला बेले जे तुम मनरे हीराकुद रहीकि बुर्ला रहीकि रकेट कथा कि आसला मतलब बुझा टिके से कहले आज्ञा रकेटा कौन में आम भाविलु देख आम अंचल पिला ये अंचल पिला मैंने सब ओडिशार पिला मैंने का बाप चा बिक्री कर बाप क्लर्क अच्छा का बाप किराना दुकान कर को टाटा बिर्लार पुओ मैंने नुहे सी कहले आज्ञा रकेटा आम एवं 20 किलोमीटर ऊपर पर्यटन छाड़बार आमर सफलता मिली कौन तुम भाविल आज्ञा रकेट गोटे कैमेरा लगेबू
କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ଆମେ ମାପିପାରିବୁ ହୀରାକୁଦ ଆୟାକଟଟା କେତେ ଆଉ ବଞ୍ଚି, ହୀରାକୁଦରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ମାଟି ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, କେତେ ଆକାର ଆଉ ବଳିକି ଅଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ବି ଅଛି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକ ପରେ ତୃତୀୟ ଦଶକକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ତେବେ ହେବ ଯେବେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା ହିଁ ସଂକଳ୍ପନା କରୁ। ମା ସମଲେଇ, ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀ, ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, ମା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହୁ। ଏତିକି କହିକି ଆପଣମାନେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଶୋର ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୁଁ ଆଜି ବି ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ନାଉରୀ ଭାଇ ସେ କଥା ମୋତେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହେବା କଥା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ମିଶିକି ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ଉଭୟ ମିଶିକି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା। ତା ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ଭୂମିକା ଅଛି ମୁଁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆଜି ଏ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନାଁ ନୁହଁ, ସେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଏକ ଅନ୍ତର ଭିତର ସ୍ୱର। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଭିତର ସ୍ୱରର ମହୋତ୍ସବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ କେଶବ ରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍। देश एवं उड़ीसा के यशस्वी अति सम्माननीय हमारे मार्गदर्शक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कोयला खान तथा संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री नवकिशोर दास जी, सुंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री जोयल ओराम जी, बरगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री सुरेश पुजारी जी, संबलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय श्री नितेश गंगदेव जी, विधायक देवगढ़ माननीय श्री सुभाष पाणीग्रही जी, ब्रजराज नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री किशोर मोहंती जी, संबलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जय नारायण मिश्रा जी, रेंगाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री नौरी नायक जी, सुंदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय श्रीमती कुसुम टेटे जी, तालसरा विधायक विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री भवानी शंकर भोई जी, श्री शंकर उराम विधायक वीर मित्रपुर, माननीय विधायक श्री मुकेश महालिंग लोई सिंगा से, एमसीएल के डायरेक्टर श्री ओपी सिंह, एमसीएल के डायरेक्टर फाइनेंस श्री वासुदेवन, MCL के चीफ विजिलेंस ऑफिसर श्री बीपी शर्मा, MCL के डायरेक्टर श्री बब्बन सिंह, एयरपोर्ट अथॉरिटी में के हमारे सहयोगी डायरेक्टर श्री सेनापति, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सभी उपस्थित बंधु, मीडिया के
सभी कर्मी जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए ये हमारे लिए बहुत गौरव की और बहुत सम्मान की बात है। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज हुआ है। हमने अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सुरेंद्र साई जी की मूर्ति का अनावरण माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी और कोयला मंत्री जी के कर कमलों से अनावरण किया है। इस महान अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला, यहाँ पर पहुँचकर अनावरण किया, हम सबको संबोधित किया, हम सबको प्रेरित किया। सर, आपसे नियमित रूप से हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। उड़ीसा के एक एक छोटे छोटे कार्य, विकास और समस्याओं पर आपकी निरंतर पैनी नज़र रहती है और इस वजह से हमें आपका मार्गदर्शन लगातार मिलता है। हम आपके इस कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय कोयला मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, उनका संदेश हम सब ने देखा। माननीय कोयला मंत्री जी के से हमें नियमित रूप से मार्गदर्शन मिल रहा है इस कंपनी को सुचारू रूप से चलाने में और आज के कार्यक्रम को करने में, तो मैं माननीय कोयला मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री नवकिशोर दास जी हमें नियमित रूप से यहाँ के विकास में, यहाँ की समस्याओं में मार्गदर्शन देते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम कार्य कर रहे हैं। सभी उपस्थित एमएलए महोदय का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आज की सभा में उपस्थित होकर इसको गरिमामय बनाया। मीडिया कर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बाबू धर्मेंद्र Thank you.